आखिर क्या हुआ था? फ्लाइट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर पके दोस्त से बने थे कट्टर दुश्मन। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का जन्मदिन 3 अगस्त को होता है। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक समय काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अपनी कॉमेडी से दोनों ने छोटे पर्दे पर दर्शकों के दिलों को खूब जीता, लेकिन फ्लाइट में लड़ाई के बाद दोनों को लेकर कई किस्से सामने आए थे। कपिल अपनी गलती के लिए कई बार सुनील से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन शायद सुनील ने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया है। वहीं सुनील और कपिल के झगड़े की असली वजह जरूर सामने आई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने उस समय फ्लाइट में मौजूद एक फिटनेस से इस पूरे मामले पर बात की थी। विटनेस के मुताबिक कपिल अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया से शो कर इंडिया लौट रहे थे। पूरी टीम एयर इंडिया की मेलबर्न दिल्ली मुंबई फ्लाइट में थे। कपिल ने फ्लाइट में व्हिस्की की पूरी बोतल पी ली थी। इसके बाद केबिन क्रू ने पूरी टीम को खाना सर्व कर दिया। कपिल उस समय भी ड्रिंक ही कर रहे थे, इसलिए टीम ने उनके बिना ही खाना शुरू कर दिया। इसी बात से कपिल शर्मा नाराज हो गए। कपिल ने पूरी टीम से कहा, जब मैंने अभी तक खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोग कैसे खाने लगे? कपिल जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिससे मौजूद पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे थे। विटनेस ने आगे बताया कि कपिल के चिल्लाने से उनके टीम मेंबर सहम गए और आधा खाना खाए बिना ही क्रू मेंबर को प्लेट लौटाने लगे। इस दौरान सुनील ने कपिल को शांत कराने की कोशिश की। इससे कपिल और भड़क गए और उन्होंने अपना जूता निकाल कर सुनील को दे मारा। इतना ही नहीं, कपिल ने सुनील का कॉलर पकड़ा और कई थप्पड़ भी मारे। बीच बचाव करने आई कुछ फीमेल क्रू मेंबर्स भी घायल हो गईं। विटनेस का कहना था कि इस दौरान सुनील बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कपिल को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कपिल लगातार पंजाबी में गालियां देते जा रहे थे। कपिल अपनी टीम से कह रहे थे, मैंने तुम लोगों को बनाया, सबका करियर खत्म कर दूंगा। तुम टीवी वाले खुद को क्या समझते हो? सबको निकाल दूंगा। कपिल ने सुनील को भी नहीं छोड़ा। वो उनसे कहने लगे, तू मेरा शो छोड़कर गया था, मेरे पास वापस आना पढ़ाना। बता दें कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के दौरान सुनील ग्रोवर गुत्थी का किरदार छोड़कर अपना शो करने चले गए थे, लेकिन टीआरपी ना मिलने की वजह से शो बंद हो गया था। इसके बाद सुनील कपिल शर्मा के शो में वापस लौट आए थे। इसी को लेकर कपिल ने सुनील को ताना माच दिया था। हैरानी की बात ये रही कि कपिल जैसे ही मुंबई पहुंचे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गिनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों से कह दिया कि ये मेरी पत्नी है।